हेलो फ्रेंड, केबीसीएल निवेशक साथियों का हमारे स्टी न्यूज चैनल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त केबीसीएल वाले निवेशकों के लिए कहीं से कहीं तक भारत सरकार की तरफ से पैसे देने की अभी तक कोई सूचना नहीं आई। तो दोस्तों, ऐसे हालात में केबीसीएल निवेशकों को चाहिए कि वह पीएसीएल इंडिया लिमिटेड के निवेशकों के साथ मिलकर 6 नवंबर दिल्ली चलो के महाअभियान को सफल बनाएं। जी हाँ दोस्तों, ये धरना सभी चिटफंड कंपनियों के निवेशकों के लिए है और ये ऑल इन्वेस्टर ऑर्गेनाइजेशन प्रवक्ता सीबी यादव के द्वारा आह्वान किया गया एक ऐसा, जी हाँ दोस्तों, महाधरना होगा जिसमें कोई ज्ञापन देने नहीं जा रहे हैं, वहाँ ना कोई विनती देने करने जा रहे हैं। दोस्तों, सिर्फ आपको अपने हक के लिए मोदी जी के आवास का घेराव किया जाएगा और आपके पैसे मिलने का, जी हाँ दोस्तों, जब तक वह कोई पक्का आश्वासन नहीं देते, जब तक वहाँ से कोई भी निवेशक किसी भी चिटफंड कंपनी का हो वह वहाँ से नहीं लेगा। क्योंकि दोस्तों, आप जानते हैं कि इस वक्त भारत सरकार की जो चिटफंड कंपनियों के ऊपर गाज गिरी हुई है उस पर निवेशकों के हितों को नहीं देखा जा रहा और उन निवेशकों के हितों को दबाया जा रहा है। तो दोस्तों, आपसे हमारा अनुरोध है कि आपका तो अभी कोई प्रोसीजर भी चालू नहीं किया गया, जबकि पीएसीएल सहारा निवेशकों का प्रोसीजर भी चालू है और उनको पैसे भी मिल रहे हैं, लेकिन दोस्तों उनकी जो परेशानी है वो ये है कि उनको पैसा देने की जो इस वक्त प्रक्रिया चल रही है वो बहुत धीमी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया को तेज़ करने के लिए और जल्द से जल्द पैसा मिलने के लिए ये बड़े धरने दिए जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपका केस अभी शून्य में पड़ा है, तो आप अपने सभी निवेशक, अपने केबीसीएल निवेशक जितने भी हैं, वे एजेंट या वो जो यूनिट लगा रखी है जिन बड़े यूनिटों वालों से हमारा आग्रह है कि वह अपनी यूनिटों के साथ, अपने एजेंटों के साथ, अपने निवेशकों के साथ 6 नवंबर को दिल्ली चलो महा आंदोलन को सफल बनाए, ताकि आप केबीसीएल निवेशकों के पैसे मिलने की भी कोई नई रणनीति आपके सामने आ सके। दोस्तों, वहाँ अगर आपकी उपस्थिति होगी तो आपके हक में निर्णय हो सकता है, अन्यथा आप अगर वहाँ अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराएंगे तो दोस्तों आप पिछड़ जाएंगे। तो दोस्तों, पिछड़ने से अच्छा है कि आप संगठित होकर, वक्त बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा है मेरे दोस्तों, 6 नवंबर ज़्यादा दूर नहीं रह गई, जल्द से जल्द आप अपनी मीटिंगों के माध्यम से वहाँ जाने की तैयारी करें। तो दोस्तों, ये बड़ी न्यूज़ आपको एस टी न्यूज़ चैनल से दी जा रही है। खबर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।